बंद करो। जिंदगी को आतंकवाद की वजह से, और आतंकवाद की जड़ है नशा। अगर देश की सेवा करनी है बेटा, कोई आईएएस पीसीएस बने न बने, कोई आर्मी का जनरल कर्नल बने न बने, तुम केवल एक नेक इंसान बन जाइए। तुम अपने लिए अपने माँ बाप की दीर्घायु की कामना कीजिए। जिस दिन तुम अपने परिवार को बचा लोगे, जिस दिन तुम अपने माँ बाप के आंखों के आंसू की कद्र कर लोगे, जिस दिन उनके खून पसीने की कमाई का एहसास कर लोगे, उस दिन आपके माँ बाप शतायु हो जाएंगे। और अन्यथा आजकल तुमने देखा होगा, जब बच्चा टशन में, फैशन में, शौक में ड्रग्स की ओर जाता है, तो सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस परिवार में होती है। जो माँ तुम्हारे लिए सुबह रोटी सब्जी बनाती है, जो माँ तुम्हारे लिए भूखे प्यासे तुमको खिलाती है, जो माँ कभी कढ़ाई में सब्जी बचे न बचे, रात को तुमको भोजन कराने के बाद कड़ाई पोछ के ही दिन खाए सो जाती है, वो पिता चाहे ढाबे में काम करे, चाहे कारगिल में करे, वो टीचर के रूप में हो या किसी प्रवक्ता के रूप में, वो अपनी उम्र लगा देता है अपने बच्चों को बढ़ाने में, लेकिन वही बच्चा अगर नशे में बिगड़ जाए तो क्या देश का होगा, क्या परिवार का होगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस देहरादून से एक गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग चलनी चाहिए, इस नशे के आतंक के खिलाफ एक गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए एक गंगा निकलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।